बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाज में कटुता फैलाने वालों को सख्त संदेश दिया है। गया के गांधी मैदान में आयोजित मगध प्रमंडलीय दलित महादलित कार्यकर्ता सम्मेलन में नीतीश कुमार ने शिरकत की। इस मौके पर नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोग आरक्षण के नाम पर भ्रम फैलाने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया है। उन्होंने साफ किया कि देश से SC ST एक्ट के लिए लागू आरक्षण को हटाने की ताकत किसी में नहीं है। जो लोगों के मन में भ्रम पैदा करना चाहते, टकराव पैदा करना चाहते, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की रचना की और उसको संविधान सभा ने स्वीकार किया। उस संविधान में जो प्रावधान है, आप इसके बारे में सोच लीजिए। और आरक्षण मिला, अगर आरक्षण नहीं मिलेगा तो जो हाशिए पर है वो मुख्यधारा में कैसे आएगा? तो आरक्षण मिला। मैं एक बात कह देना चाहता हूं, बहुत लोगों को भ्रम है कि लोगों को हम गुमराह कर देंगे। मैं आपको स्पष्ट तौर पर आपके बीच में कहना चाहता हूं, इस देश में किसी की ताकत नहीं है कि जो आरक्षण का प्रावधान है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को उसको समाप्त कर दे। और इसके लिए हम लोगों को जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम लोग देंगे, ये किसी की हिम्मत नहीं है, सवाल पैदा नहीं होता। और जिन लोगों ने कभी गरीब गुरबा के लिए कुछ किया नहीं, आरक्षण नहीं दिया, आज वो लोग बोल रहे हैं। और हमने तो शुरू में बता दिया, पंचायत और नगर निकाय राज्य सरकार के हाथ में था, वहां से शुरू करा दिया। कौन ऐसा पैदा हुआ जो आरक्षण को खत्म कर देगा? नामुमकिन है, ये कभी संभव नहीं है। इसे मन से इस भ्रम को निकाल लीजिएगा। वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि समाज और देश का विकास भी तभी हो पाएगा जब अनुसूचित जाति जनजाति का सर्वांगीण विकास हो। किसी के बहकावे में नहीं आना, लेकिन पूरी मजबूती से खड़ा होना। आपके अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। और जब तक आपका विकास नहीं होगा, समाज का विकास नहीं होगा, बिहार का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा। और इसके लिए हम सब लोगों की प्रतिबद्धता। लगे हाथों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष पर भी इशारों इशारों में हमला किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं। नीतीश ने कहा कि 2006 में उनकी सरकार ने ही ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति जनजाति अत्यंत पिछड़ी जाति और महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया था। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से जमीनी स्तर पर पिछड़े समाज का असर बढ़ गया है। लोग बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, कुछ लोगों को आदत है सिर्फ बोलने की, करना तो कुछ है नहीं, सिर्फ बोलते रहो। करने की बारी आई, कुछ किया नहीं, बोलते रहे, आगे भी बोलते रहे, किया कुछ नहीं। लेकिन जब 2005 के नवंबर में हम लोग आए और 2006 के फरवरी मार्च में ग्राम पंचायत का चुनाव होना था, हम लोगों ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़े वर्ग का भी आरक्षण कर दिया और महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण किया। ये काम हम लोगों ने वहां शुरू किया। कहा था पहले आरक्षण, एक जब उनको ग्राम पंचायत में अधिकार मिला, नगर निकायों में अधिकार मिला, उनकी इज्जत पड़ने लगी। अब सब मुखिया है इतनी बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति के अनुसूचित जनजाति के लोग अब जाते हैं। अब तीसरी बार चुनाव हो गया आरक्षण लागू होने के बाद, 3 बार चुनाव हो चुका, अब उनका प्रभाव बढ़ गया। वहीं शराबबंदी का मजाक उड़ाने वाले विपक्ष के नेताओं पर भी नीतीश कुमार ने करारा तंज कसा। उन्होंने कहा कि शराबबंदी से गरीब लोगों को बहुत फायदा मिलता है। हमने शराबबंदी लागू कर दिया, अब इसका फायदा गरीब गुरबा लोगों को होने लगा। चंद लोग हैं जो आप जानते हैं जिनकी मानसिकता अलग होती है, कुछ न कुछ गड़बड़ धंधा करता ही है, आप जानते हैं। ये तो कुदरती चीज है, सबको आप आदर्श नहीं बना सकते, उसको घटपच करने वाला रहेगा। और जब घटपच करते हो पकड़ा जाए तो उसको सजा मिलेगी। दलित महादलित समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए नीतीश सरकार ने सराहनीय काम किया है। नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने हैं तभी से उनका फोकस इस समाज के विकास पर रहा है। अगर सरकारी अमला योजनाओं को सही तरीके से अमली जामा पहनाए तो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों का भी विकास होगा।
पंजाब केसरी टीवी के लिए गया से अजीत कुमार की रिपोर्ट।